फिर आ गया? What is wrong with you? वैसे तो अरिहंत की हम तीन बुआ हैं, तो सबसे ज्यादा क्लोजनेस मुझी से है। This like my morning spot. मैं हर सुबह almost एक महीने पहले तक यहाँ पर ही होती थी एक घंटे के लिए। ये मम्मा पापा और मैं यहाँ पर मॉर्निंग टी लेते हैं। दिस इज़ लाइक माई फेवरेट। और मोस्ट ऑफ द प्लांट्स यहाँ पे जो भी आपको दिख रहे होंगे वो मैंने ही लगाए हैं, कुछ बीज से उगाए हैं, कुछ लाए हैं। और फिर अपना खूब उनसे बातें बातें करके लाइक अ मेडिटेटर स्पेस सुनी। और बीच में मैं योगा क्लासेस भी करती थी तो वो भी यहीं पर। तो मेरी सिर्फ एक ही सिस्टर है, नेवर रियली गॉट अ चॉइस के चूज कर पाऊँ या फिर कुछ भी। बट तब इनिशियली ऐसा लगता था, बट तो पता चला हाँ means I got a gem. Again, those people who know me will know this very well. Like the fondest memories I have of this house begin from here. हमारा एक डबल डेकर बेड था जो कि मेरी जिद पे बना था, मुझे ट्रेन जैसा बेड चाहिए था। भाई और मैं लड़ते थे कौन ऊपर सोएगा, देन लेटर हम दोनों लड़ते थे कौन नीचे सोएगा। और मुझे लगता है भाई इसके बाद अगर किसी से सबसे ज़्यादा प्यार होता है तो अपने भतीजे भतीजी से होता है। हमें अम्मा ने ही टिफिन विफिन बना के दिए स्कूल का। इनफैक्ट थर्ड तक तो नीचे अम्मा ही मुझे नहला के रेडी करती थी यूनिफॉर्म पहना के स्कूल की। और अम्मा के फेवरेट वो आलू अभी भी बच्चों को सबको बहुत पसंद है। इट वाज द सेम टिफिन एवरीडे सेम थिंग। सब लोग कपड़ा हो गया एकदम से शादी लायक। शादी की तैयारी वाला घर है, पता चलना चाहिए। बाय द वे ये सब मेरे साथ जाने वाला है। मैंने तो कह दिया भाई मैं तीन बुआ है लेकिन सबसे ज़्यादा मुझसे अटैच है, वो अमेरिका है, दीदी आ नहीं पाती। ये तो अपना कंफर्ट जोन मम्मा पापा का रूम, कुछ भी गड़बड़ लगती है तो गो टू प्लेस। इसका पहला बर्थडे भी तो हुआ था जब इसने खूब रोया था उसमें। बहुत रोया था ये। और जब मैं उधर चाचा आउट ऑफ इंडिया गए हुए थे। हाँ रोज ही मैसेज देंगे मम्मी को तो साथ ही रहना है। बट फिर भी ऐसे विशेष विशेष में क्या जैसे आपको क्या लगता है क्या बोलना क्या है? बहुत अच्छा लग रहा है, चेस्टा शादी होने वाली, जा रहा है शादी करके आएगी बहू घर में, सारे रौनक बढ़ेगी घर में, रौनक ही बढ़ेगी और परिवार भी अच्छी है, बहू भी अच्छी है, खुशी भी हो रही है। बहू से मिले आप? नहीं बहू से तो बहुत मिली, वो आती है। मैं यही तो कह रही, मैंने कहा चेष्टा के आने के बाद तो, अब चेष्टा के आने के बाद बोलने लग जाए तो पता नहीं, लेकिन अब तो चुप रहता है बिल्कुल। आपसे आपके सामने चुप रहता होगा, मेरे सामने नहीं। अच्छा ऐसे कह दो कि मजे कर रहा हूं। हां अब मगर ये कि मैंने तो अपना काट लिया तो अपना खुद देख ले, ये कहते हैं ना बार-बार, मेरी तो निकल गई तुम अपने आप देख ले, ये मजे करें। हां और क्या, जल्दी से पोते पोती वाले पट पोते पोती वाली नहीं क्यों आप कह रही हो कि जल्दी नहीं है ना, तो उसी ने इतनी जल्दी तुमको तो पहले दिन सबसे पहले यही बात रखी। उस मूल से ज्यादा प्याज प्यार होता है। प्याज प्याज Oh.
body's moving to the beat. भाभी जी का कोई नाम बता दो भाई. चेष्टा. बड़ी चेष्टा करनी पड़ी तो ढूंढने के लिए. चेष्टा स्कूल से ढूंढ रहा है. अरे 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 अरे. We have Kavya, Prisha and Pihu. Welcome the king and queen on stage,
मारना पड़ेगा अरे यार कहाँ है कमान 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 कौन ऐसे बात नहीं बनेगी आज तो उतरवा के छोड़ो कौन ये लोग कौन लोग हैं ये लोग कौन लोग हैं दीदी है दीदी है शर्ट उतरवा रही है शादी वाले हैं हम बराती वाले अच्छा बच्चा है कि वो शायद मुझे लगता है वो कुछ कहे बगैर भी कुछ कुछ बातें समझ जाता है हमारी मेरा तो शुरू से बहुत अच्छा है अरिहंत के साथ जब वो छोटा था तब से ही मतलब वो तो मेरे को कभी उसने चाची जैसा समझा ही नहीं वो मेरे से बिल्कुल पापा वाला ही वो रखता है बिल्कुल बेटे की तरह ही मेरे को वो करता है सब चीज दादी का ध्यान रख सकती मतलब कोई और वैसी लानी होती तो बहुत पहले आ चुकी थी बड़ी बात होना और नो डाउट बाकी सारे बापों के पास इतने सारे शायद एक्सपीरियंसेस ना होते हों ये जब बहुत छोटी थी प्राइमरी स्कूल में भी इसे भेजा था तो नर्सरी ऑनवर्ड्स इसका ट्रेंड ये था कि मैं जब इसे लेने जाता था तो जहाँ तो वहाँ तक कभी भी ये अपना स्कूल बैग खुद ले करके नहीं आई क्लास से कोई ना कोई और बच्चा आ करके मुझे इसका बैग दे जाता था कि दीदी अभी आ रही हैं अंकल बैग ले लीजिए इतने छोटे से इसकी दीदीगिरी नहीं दादागिरी चलती थी अपने स्कूल में
अभी से ढूंढना शुरू कर दे अरिहंत, अभी से लग नहीं रहा है मतलब कहाँ से क्या दिखा, कोई अलग ही फोटो दिखाई है। मैंने गलत किया चेंज करा के, हमें भी कुछ गंदा ही बनवाना था। लग रहे हो यार आप? नहीं उधर वाला ये तो नहीं आ रहे हो, ये तो वाले आए हैं ना, लड़के वाले आ नहीं पाए, लेकिन बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट तो था नहीं, ये पढ़ता ही जब था जब पेपर हो। पहले तो हम लोग ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है, एक ही स्कूल में एक ही क्लास में थे। ये था कि पहले तो ये थोड़ा लड़ता वगैरह था मुझसे, मगर अब थोड़ा सही हो, और बचपन में भी नोटी ही रहे हैं, सो ही सो नोटी। पेरेंट टीचर मीटिंग पे तो खास तौर से ऐसा होता था कि और बच्चों की माएँ आकर के पूछती थी कि है कहाँ है चेष्टा तो दिखाओ, जो घर पे भी जिसका नाम दीदी करके लिया जाता है। इसके क्लासमेट्स भी जो है वो इसको इस ढंग से ट्रीट किया करते थे, एंड आप उसे एक इंस्पिरेशन भी कह सकते हैं, एंड वी हैव बीन अ विक्टिम ऑफ इट एज वेल। द बेस्ट क्वालिटी अबाउट हिम इज दैट ही इज ऑलमोस्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई एम, सो If I am the impatient one in certain situations, he would be the most patient person you've ever seen in those situations. He is the calm one, very patient, very welcoming, and respectful always. Like you will never see him disrespect anybody. She has been very notorious. Means. वेरी डिमांडिंग, और डिमांडिंग के बाद गो गेटर भी है, कि वो अपनी डिमांड्स रखती है और फिर उसे फुलफिल भी करा लेती है कैसे भी करके। जैसे इसका पापा ने बचपन में एक डांस के गुरुजी लगवाए थे, तो शी वाजंट वेरी रियली इंटरेस्टेड इन इट, तो शी यूज्ड टू स्लीप बाय द टाइम, परफेक्टली एक्टर उस टाइम एक्टिंग करती थी, और फिर उसके बाद एकदम से जैसे पता चला कि गुरुजी चले गए हैं, एंड शी यूज्ड टू वेक अप। Of us dating, but it just began by chance. We just went out to have food, and somehow the whole surrounding kind of turned very romantic around us, and nobody did say yes or nobody proposed, but it was just a flick of a moment, and we just felt that we were dating. तो हम करते हैं शुरुआत आज की परफॉर्मेंस की, एक बार जोरदार तालियां लेडीज ग्रैंड मैन। Thank you.
ढूंढता हूँ मैं हर कहीं जो कभी मिली मुझे है नहीं मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन वो लड़की है कहाँ जिसे सिर्फ मुझसे ही प्यार हो जो ये कहने को भी तैयार हो सुनो तुम ही मेरे दिलदार हो वो लड़की है कहाँ मुश्किल यार आशिकी मुश्किल सोना गाना रे मुश्किल यार आशिकी से हम स्वागत करेंगे हमारे ब्राइड और ग्रूम का
चेष्टा एंड अरिहंत का जो हमारे बीच आ रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से. Let's make it.
all ignite. Shoot it down low, take it up high. Now is the time and the place. Yeah, I'll get to know it when it happens, but till now, maybe celebrations वगैरह इसीलिए होते हैं कि you get involved in all that and you don't get to experience your emotions. अभी तक वो emotions आ ही नहीं पाए, because you're busy with the hustle and bustle. I think this is the point of all the celebrations. People have kept this like this. तो इसका नाम बेशक हमने चेष्टा रखा, लेकिन मैंने कुछ भी कह करके आवाज़ लगा दी, जैसे आवाज़ देने वाले मोड में कुछ भी कह दिया, गोली, बंदूक, चांद, फूल, कुछ भी बोल दिया तो पलट के आवाज़ आनी है, हाँ पापा. ऐसी वाली बॉन्डिंग हम लोग ने जी है. खैर, मैंने एक बार ऐसे ही अपने दोनों बालकों के साथ बैठे मैं बस इतना कह दिया कि बेटी, अगर तू पहले मेरे घर आ जाती तो फिर मुझे दूसरे बच्चे की ज़रूरत ही नहीं थी. वो तो तूने आने में देर कर दी, इसका भाई इससे बड़ा है. ये खुश हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन इसका भाई बहुत बुरी तरह नाराज हो गया कि मैं तो अनवांटेड हूँ इस घर में. देखो जी, अगर ये वाली चीज़ उठाओगे तो फिर शादी नहीं होगी, हम जानी ना देंगे. It has been like a mixed journey, but अब realize हो रहा है कि हाँ, I'll be missing it. अभी तक कभी value करने का मौका नहीं मिला. स्टोरी ऐसी है कि सिक्स नहीं सेवन्थ क्लास में चेष्टा क्लास में आई. एंड एक वो होता है ना, व्हेन यू लुक एट समबडी वो पहली बार में कि हाँ यही है,
देन आई मेकअप माई माइंड कि हाँ ये फिर हम दोस्त बने, बात बात हुई। देन नाइन्थ क्लास में मैंने उसको बताया कि हाउ आई फील अबाउट हर, कि मुझे कैसा लगता है ये वो। एंड शी वॉज लाइक कि लेट फोकस ऑन आवर फ्यूचर, अगर कभी होगा तो विल डेफिनेटली फिगर इट आउट एंड ट्राई समथिंग। मैं एक दोस्त की शादी में मिले एंड इट्स ऑल स्टार्टेड एक्चुअली अ स्टोरी इन इटसेल्फ। The year was 2009. We were in the same class. Probably for him it was 7th when he noticed me first, but for me it was class 9th when I... ये सर्वे जन सिद्ध शूर अनुगतास्ते पाठ का साधुवा स्तुत्या योग जन शि पंच गुरुवा का उच्चारण हो चुका है। संकल्प की विधि, संकल्प कि दूल्हे राजा कमर कस करके जा रहे हैं अरिहंत जी, कि अब दुल्हन को लेकर के ही हाँ वापस लौटना है। वीर भगवान की जय। जोरदार तालियां बजा दें। मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि तीन बुआओं के होते हुए सबसे ज़्यादा मैं उसके साथ रही हूँ, सबसे ज़्यादा मैंने उसके साथ टाइम दिया है। मुझे लगता है ये रिलेशन जो है, जो अरिहंत और हमें है, वो शायद उसकी शादी के बाद और स्ट्रांग हो जाए। एक आज्ञाकारी लड़का है बहुत ज़्यादा, और हमेशा ऐसा लगा जैसे मेरे और दो बच्चे हैं, वैसे ही वो थर्ड है। तो मैं तो शुरू से ही उसको मतलब बिल्कुल अपना तीसरे बेटे की तरह प्यार किया है हमेशा से, और हमेशा करती रहूंगी। तो मेरे को तो ये लगता है कि आगे इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। हमारी बहुत शुभकामनाएं उसके साथ, उसकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहे। I have never felt more comfortable in anybody's presence than his. He makes me, I feel very, very comfortable around him. Thank you.
मेरी जो कमिटमेंट अदर देन सेवन वाउज इज कि नो मैटर व्हाट हैपेंड आई एम हेयर आई एम विद यू सिंस नाइन्थ सिंस स्कूल आई एम विद यू एंड ऐसा कभी नहीं होगा पूरी जिंदगी आई एम विद यू चाहे कुछ भी हो जाए मैं कहीं नहीं हूँ मैं यही हूँ उसी के साथ दैट इज माई द टोटल कमिटमेंट कहना नहीं चाहना ही चाहना है कि दोनों के सब काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएं और उसके बाद का जीवन इनका ऐसे चले कि हर ओर सुखी सुख दिखाई दे यही शुभकामनाएं हैं और मैं समझता हूँ प्रभु कृपा करेंगे अगर इनकी डीड्स अच्छी रहती हैं तो मेरी इच्छा पूरी जरूर से होगी मेरे हिसाब से तो चेष्टा के लिए अब बहुत करने वाली घड़ी है मैं चेष्टा से तो मुझे उम्मीद है कि वो पूरा घर संभाल लेगी मतलब मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो तो मुझे उम्मीद है सॉल्व हो जाएगी बहू के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार होता है परिवार का भगवान करे कि अपनी सारी परीक्षाओं में भरपूर नंबरों से पास हो नतीजा है हमारा अरिहंत और बचपन से ही हम लोगों ने उसको अपने बेटे का हाथों में खिलाया और आज हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े उस मुकाम पर जाने की तैयारी में है हमारी तो ये शुभकामना है कि वो उनका परिवार जो है न्यू कमर है बहुत अच्छे से रहे और अच्छा परिवार है सारी चीज़ें हैं नाम है सब कुछ है ये नए वैवाहिक सूत्र में बन रहे हैं तो इन्हें किसी प्रकार की कोई कमी महसूस ना हो मैं यही कहता हूँ शुभकामनाएं देता हूँ आई विश देम बेस्ट ऑफ लक फॉर द लाइफ एंड आई एम हियर मींस दे आर नॉट अलोन मेरा दिल भी तू मेरी जान भी तू मेरा सब है तू मेरा रब है तू मेरा दीन तू ईमान तू मेरा ताज राज अभिमान तू मेरा दिल भी तू मेरी जान भी तू मेरा सब है तू मेरा रब है तू माइक भी दे दो पंडित जी पता लग जाए सबके सामने होना चाहिए और क्या हमें भी तो पता होना चाहिए क्या बोला ये कठोर बच्चन Oh, my God.
अरे पंडित जी, सिंदूर तो भरवा दो, तभी तो पति पत्नी बनेंगे। सिंदूर तो भरवाओ, सिंदूर उसके बाद तो उससे भी नहीं स्वीकार करते हैं बच्चों की उपस्थिति में, अग्नि की साक्षी में वचनों को स्वीकार करते हैं। आप भी बोलिए, अग्नि की साक्षी में पंचों की उपस्थिति में इन वचनों को स्वीकार करते हैं। जोरदार तालियां तो बजा दें एक बार। ये ऐसी मूवमेंट है अपने लव वंस के साथ ही होती है, एंड आई एम ग्लैड कि सब आए हैं एंड दे आर इन्जॉइंग एंड आई एम वेरी हैप्पी। कि एक होता है ना बड़ों का आशीर्वाद एंड सबका, एंड बड़े बूढ़े दोस्त सारे उसी असली मतलब सबके साथ। बहुत अच्छी इनकी मैरिड लाइफ। बस मेरी तरफ से तो यही मैसेज है कि मैं जल्दी से पोते पोती वाली बन जाऊँ, बस ये मुझे जल्दी से कोई पोता या पोती जो भी हो मुझे जल्दी से जल्दी पोते। टीम में कितने लोग हैं आपके? आप सभी हाउसमेट जो है उनको ऐड कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और दूल्हे राजा और दूल्हा साहिबा को डेडिकेट सॉन्ग वे मुखड़े तो नजरा हटावा, मुखड़े तो नजरा हटावा, जिते दे जिया और दिसदा जी करदा है तैनू वेख जावा,
अलग तुझ में